राजस्थान के अंदर अभी हाल फिलहाल कोरोना के केस तो कम हो गए, लेकिन दूसरा खतरा अब मंडरा गया है। राजस्थान में डेंगू एक ऐसा नया वेरिएंट लेकर के आया है जिससे अब आम जनता की परेशानी और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम बातचीत करें डेंगू के केसों की, तो लगभग लगभग 13,000 केस इस साल डेंगू के सामने आते हुए नजर आए हैं, और वहीं अब इसकी रफ्तार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें, तो लगभग लगभग SMS अस्पताल में 600 मरीज भर्ती थे, और इनमें से 50 की तो मौत भी हो चुकी है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें डेंगू के केसों की, तो डेंगू के केसों पर रोकथाम के लिए अभी भी विचार किया जा रहा है, और इस पर आखिरकार किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जाएगी और कैसे इन केसों से बचा जाएगा, इसको लेकर के तमाम प्रकार के डॉक्टर्स भी अब इन पर निगरानी रखे हुए हैं और अपना अपना संदेश साझा कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के आखिरकार जो SMS अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस डेंगू के मरीजों को लेकर के, उससे हम आप सभी को अवगत कराएंगे। लेकिन वहीं इसी बीच बता दूं कि साल 2019 की बात करें, साल 2019 के अंदर लगभग 13,007 इसके डेंगू के मामले सामने आए थे, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल अभी तक 13,000 मामले सामने आ चुके हैं। और ये आंकड़े अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने पहले से ही डेंगू की रफ्तार में पकड़ने हुए नजर आए हैं, लेकिन अब इन आंकड़ों में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आप सभी को सतर्क रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, और इनके बचाव के लिए आखिरकार क्या कुछ करना चाहिए, हम आप सभी को दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। राजस्थान के अंदर डेंगू बेकाबू हो चला है। यहां पर मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया, और यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में डेंगू मरीज 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इससे पहले 2019 की बात करें तो सबसे ज्यादा 13,706 रोगी मिले थे। इस साल का आंकड़ा 13,007 पहुंच चुका है, और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 30 मौतें हुई हैं, लेकिन सच तो यह है कि SMS अस्पताल में ही डेंगू से अब तक 620 मरीजों में से 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौजूदा स्थिति में अस्पताल में कुछ मरीज भर्ती होने से 24 से 72 घंटे के अंदर ही दम तोड़ दे रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार डेंगू का नया वेरिएंट डैनवी 2 और डैनवी 3 के कारण एडीज एजी प्लाई मच्छर बेकाबू और लोगों की जान ले रहा है। केंद्र ने राजस्थान समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत 9 राज्यों को पत्र लिखा है। अब तकनीकी मार्गदर्शन के लिए नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजिट कंट्रोल प्रोग्राम की टीम जयपुर आ सकती है, जो सरकार के आला अधिकारियों से भी वार्ता करेगी। और SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, मेडिसिन के डॉक्टर रमन शर्मा व डॉक्टर अजीत सिंह का कहना है कि एक ही कम्युनिटी में 2 तरह के डेंगू वायरस ज़्यादा फैलने के साथ गंभीर हो सकते हैं। डैनवी 2 व डैनवी 3 के कारण मौत का खतरा अधिक है, और चारों सीरोटाइप अलग अलग तरह से एंटीबॉडी को प्रभावित करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज़ 19 जयपुर।